नमस्कार, सत श्री अकाल, सैल्यूट टू एवरीवन, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ। Enjoy the video. These are few moments from my blog. I hope you will enjoy and love it. Kindly subscribe, share and like, and share it with your loved and dear ones. Hello and welcome to my YouTube channel. मैं हूँ अमित मोहन। ये मेरा बेटा है अजी। हम आज जा रहे हैं अपना नया YouTube channel शुरू करने। ये मेरी पहली video है जिसमें मैं और मेरे friends और हमारी family हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है जी, ये मेरे वाइफ, ये उनकी वाइफ, ये उनकी बेटी। हम जा रहे हैं घूमने के लिए पहाड़ों में। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ये मेरा बेटा है। हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी जर्नी स्टार्ट होगी, जो रियल जर्नी है हमारी यहाँ से मेयो ढाबा पे खाना खाने के बाद। ये है जी चंडीगढ़ को जाने वाली रोड, जिसको बाईपास चंडीगढ़ को हम करते हुए निकल जाएंगे सीधा शिमला रोड पे, हाईवे पे। तो मौसम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे मौसम में ट्रेवल करना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए धुंध है चारों तरफ, लेकिन विजिबिलिटी काफी अच्छी है, इससे स्पीड में कोई हिंड्रेंस नहीं आती। ये हमारा आ गया जी सेकेंड टोल प्लाजा चंडीगढ़ शिमला रोड पे। इसके बाद शायद मेरे को लगता है हिमाचल एंटर करते हुए एक और आएगा, उसके बाद में भी शायद ना आए, मोस्ट प्रॉब्ली सोलन में होगा, एक सोलन से आगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पहाड़ों पे एंटर करने से पहले ही हमारा सेकंड टोल प्लाजा है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। ये हमने अभी धर्मपुर क्रॉस किया है, इसके बाद सोलन आएगा। शिमला यहाँ से है अराउंड 52 किलोमीटर। हम सोच के आए थे यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम होगा, धुंध होगी, लेकिन धुंध काफी लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन है, जो मुझे अच्छा लगता है, धुंध में ड्राइव करना काफी अच्छा लगता है। रिस्की जरूर होता है, आई नो दैट, हर किसी को कॉशन से चलना चाहिए। मैं सोच के यही आया था कि यहाँ पे पहाड़ों में बड़ी धुंध होगी, मौसम बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है। मैं जहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से धूप आ रही है। चलो एनीवेज एंजॉय करना चाहिए, पहाड़ों में आए हैं, दोस्त हैं, फैमिली है साथ में, वी आर एंजॉयिंग, वी आर एंजॉयिंग आवर लेवल। सोलन से हम ऊपर चढ़ते हुए आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स वन न्यू लोकेशन, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, क्योंकि आज मेरी वाइफ भी वो सामने जा रहे हैं, इनका बर्थडे है, तो मैं इनको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन हम काफी देर पहले आए थे। तो ये एक टी स्टॉल है भारत भाई फास्ट फूड करके, इनकी चाय बाय गॉड इतनी टेस्टी मुझे लगती है। तो इनको हम सोलन से ढूंढते हुए आ रहे हैं कि चाय हमने यहीं पे पीनी है। बस दो मिनट में चाय आएगी, चाय की चुस्की लेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। बाईपास करते हुए निकल रहे हैं। एक तो शिमला का रास्ता है जहाँ जो शिमला के बीच में से होके हमें कुफरी तक ले जाता है, या उससे आगे टुवर्ड्स स्पीति वैली, बट एक ये बाईपास है जो शिमला से पहले ही राइट टर्न करके आप शिमला को बाईपास करके निकल सकते हैं, जिससे कि आप जो जैम है, ट्रैफिक है, उससे बच जाएंगे और आपका थोड़ा बहुत टाइम सेव हो जाएगा, जिसको आप और किसी एक्टिविटी के लिए बचा सकते हैं। तीन से चार किलोमीटर यहाँ से कुफरी होगा, उससे पहले यहाँ पे है एक ग्रीन वैली, जो छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट सब रुक के अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। नीचे थोड़ा एक फॉरेस्ट है जो प्रिजर्व किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो बाहर से देखने में बहुत ज्यादा ग्रीनिश लगता है, तो उसका नाम में भी शायद उस वजह से ग्रीन वैली रखा हुआ है, जिसको हम दूर से बड़े प्यार से देख सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे नीचे जाके आपने उसकी ट्रैकिंग करनी है, नीचे उतरना है, तो फॉरेस्ट वालों से परमिशन लेनी पड़ती है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ग्रीन वैली में। कुफरी जाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे आप घूम सकते हो। ये मेरे पीछे आपको ग्रीन वैली दिख रही होगी। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली है। ये है ग्रीन वैली,
ये आप पढ़ सकते हो, पॉज करके अगर आप पढ़ना है तो आप पढ़ जाना। प्लीज स्पेयर द साउंड, पीछे से थोड़े ट्रक वगैरह निकल रहे हैं तो साउंड आ रहा है काफी ज्यादा। ये प्रिजर्व किया हुआ फॉरेस्ट है जिसमें आप परमिशन लेके, मे बी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीचे से परमिशन लेके फॉरेस्ट वालों से आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हो, साइकिलिंग वगैरह करने के लिए नीचे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, यहाँ पे काफी टूरिस्ट हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। ये है जी ग्रीन वैली जहाँ पे हम रुके थे, ये है टूरिस्ट जो अपने अपनी फोटोज ले रहे हैं यहाँ पे, काफी टूरिस्ट रुकते हैं। ये हमारी गाड़ी, हमारा बेटा, ये बेचारा सोया हुआ था अभी उठा है ग्रीन वैली का नाम सुन के। सो वी आर रियली एंजॉयिंग दिस ट्रिप। और आरसी देव कैसे लगा भाई आपको, एक्सपीरियंस आपका कैसा था? हम पहली बार यहाँ पे कुफरी जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हो आप खूब? बिल्कुल। शांत जी आप एंजॉय कर रहे हो? भाभी जी आप एंजॉय कर रहे हो? अरे बोलो आप, तरीके बोल के बताओ भाई। हाँ भाई गीतू, ये बर्थडे गर्ल है, इनको बड़ा मजा आ रहा है। गीतू है बर्थडे गर्ल। टुडे इज माय बर्थडे, ओनली कुलचे छोले खा के मजा। इनको कुलचे छोले खाना बड़ा पसंद है। पैदल ट्रैकिंग करते रहते हैं यहाँ पे सब लोग। तो ये हमारा रास्ता है टुवर्ड्स कुफरी। ये अभी वेजिटेशन थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि हम थोड़ा हाइट पे आ गए हैं। कंच तो हौली हौली पे चलते आगे। फाइनली हम जा रहे हैं जी नारकंडा, और वहाँ पे हम स्टे करेंगे, और नेक्स्ट डे हम पहली बार जा रहे हैं नारकंडा में, वहाँ पे स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे क्या कुछ है वहाँ पे से एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। तब तक के लिए बाय 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 बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।